वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास एट के लिए उर्दू पढ़ाऊंगी। बच्चों, यहाँ पर ये एक एडिशनल सबक है। क्लास एट के जान पहचान की बुक के अंदर सभी स्टेट्स के लिए 20 चैप्टर्स हैं, पर हरियाणा स्टेट के लिए 4 चैप्टर एडिशनल हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम बता देती हूँ, जो सिर्फ हरियाणा स्टेट्स के स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं। इजाफा शुदा सबक है हरियाणा स्टेट के लिए, अलबेला हरियाणा, मेवात का सामाजिक निज़ाम, थर्ड आज़ाद हिंद फौज का जाबाज सिपाही, फोर्थ सौलिया आबिद हुसैन। तो यहाँ पर मैं आपको सौलिया आबिद हुसैन पढ़ाऊँगी। इससे पहले वाली वीडियो में तीनों ही चैप्टर पढ़ा चुकी। सौलिया आबिद हुसैन, सबसे पहले अल्फाज मायने, क्योंकि एग्ज़ाम में आप बोलचाल की भाषा नहीं लिखोगे। मुखलिस यानी कि खुलूस वाला, असद वाजी यानी कि शादीशुदा ज़िंदगी, अजीम यानी कि बड़ा, मशीर यानी कि मशवरा देने वाला, फरामोश यानी कि भूलना, एतराफ़ यानी कि मानना। अब बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर से रिलेटेड एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे मुतालिक कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको पहले पैराग्राफ पढ़कर बताऊँगी और फिर क्वेश्चन आंसर भी पढ़कर सुनाऊँगी। इससे आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आएगा और एडिशनल क्वेश्चन आंसर की भी तैयारी हो जाएगी। सौलिया आबिद हुसैन के वालिद एक मशहूर आलिम और अदीब थे। इनकी वालिदा मुश्ताक फातिमा अल्ताफ़ हुसैन हाली की पोती थी। जब इनका इंतकाल हुआ, इस वक्त सौलिया आबिद हुसैन की उम्र 14 साल थी। इनके ख़ानदान में मर्दों को ही नहीं औरतों को भी पढ़ने लिखने से दिलचस्पी थी। सौलिया आबिद हुसैन की शादी गंधाई नज़रिया रखने वाले जामिया मिलिया इस्लामिया के मुकल्लिस रुख कारकन यानी कि मेंबर जामिया मिलिया इस्लामिया के डॉक्टर आबिद हुसैन से हुई, सैयद डॉक्टर आबिद हुसैन से। इन्होंने इनकी सलाहियतों को निखारने की कोशिश की, इनके तहरीरों पर इस्लाह दी, इस्लाह यानी कि सुधार करने की कोशिश की, इनके अदबी शौक को बेदार करने की कोशिश की। सौलिया आबिद हुसैन को बचपन से ही अजीम शख्सियतों के जेरे साया परवान चढ़ने का मौका मिला, यानी कि सौलिया आबिद हुसैन की परवरिश बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच हुई। इन तमाम लोगों के ख्यालात ने इन तहरीरों और फन पर गहरे असर छोड़े। यही वजह है कि इनकी तहरीरों में दर्द और कसक होने के बावजूद नाउम्मीदी का एहसास नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक रोशन पहलू नज़र आता है। इनके ज़रिए यानी कि सौलिया आबिद हुसैन के ज़रिए लिखे गए आर्टिकलों से इंसानियत की खिदमत का दर्स मिलता है, यानी कि इंसानियत के काम आने वाली बातों को कि इंसान के काम आना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखती थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल एक, सौलिया आबिद हुसैन की वालिदा का क्या नाम था? सौलिया आबिद हुसैन की वालिदा का नाम मुश्ताक फातिमा था। सवाल दो, सौलिया आबिद हुसैन के शोहर का क्या नाम था? सौलिया आबिद हुसैन के शोहर का नाम डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन था। सवाल तीन, सौलिया आबिद हुसैन की तहरीरों से क्या दर्स मिलता है? सौलिया आबिद हुसैन की तहरीरों से इंसानियत की खिदमत का दर्स मिलता है। सवाल चार, वालिद के इंतकाल के वक्त सौलिया आबिद हुसैन की उम्र कितनी थी? वालिद के इंतकाल के वक्त सौलिया आबिद हुसैन की उम्र 14 साल थी। अब इसी तरह से एक और पैसेज है, पढ़कर बताती हूँ ताकि सबक अच्छे से समझ में आए और एडिशनल क्वेश्चन आंसर की तैयारी हो जाए। सौलिया आबिद हुसैन ने अपने तख्लीकी सफ़र का आगाज यानी कि आर्टिकल्स लिखने की शुरुआत अफसानवी अदब से की। इनका पहला अफसाना 1928 ईस्वी में रिसाला नूर जहाँ में शाया हुआ, पब्लिश हुआ। इससे पहले तहजीब नस्वा और फूल जैसे रिसालों में इनके ज़रिए लिखे गए मजामीन छपा करते थे। मजामीन कहते हैं मजमून की जमा को। इन्होंने अपना पहला नावल हुस्न इत्तेफाक 16 साल की उम्र में लिखा। इनके 9 नावल शाया हो चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। कुछ तो बहुत मशहूर हुए जिनमें कतरे कतरे से गहरे होने तक, राह अमल, यादों के चिरा, गोरी सौदे सेज पर वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इनका मशवरा मशहूर अफसानों में नक्श अव्वल, साज़ हस्ती, निराश में आस, दर्द व दरमा वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। इनके ड्रामों में ज़िंदगी के खेल, इम्तिहान, उफत, बुनियादी हक, हाल ही की झलक वगैरह मशहूर हैं। सौलिया आबिद हुसैन ने बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखी हैं जिनमें बहादुर, सिंधबाद, भोली, जादू का हीरा, सुंदर चिनार और बच्चों के एनिस मशहूर हैं। इन्होंने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हली और मीर अनीस के सवाने उमरिया यानी कि उनकी बायोग्राफियाँ लिखी और उनकी खुद नोशत सवाने हयात सिलसिला
रोज़ो शब के नाम से छप चुकी है। सवाल नंबर एक, सवालिया आबिद हुसैन का पहला अफसाना किस सनह में शाया हुआ? सवालिया आबिद हुसैन का पहला अफसाना 1928 ईस्वी में शाया हुआ। सवाल नंबर दो, सवालिया आबिद हुसैन ने पहला नावल किस उम्र में लिखा? सवालिया आबिद हुसैन ने पहला नावल हुस्न इत्तेफाक 16 वर्ष की उम्र में लिखा। सवाल तीन, सवालिया आबिद हुसैन के मशहूर नावलों के नाम कतरे से गहरे होने तक, राह अमल, यादों के चिराग, गोरी, सूदे सेज पर सवालिया आबिद हुसैन के मशहूर नावल हैं। सवाल चार, सवालिया आबिद हुसैन के मशहूर अफसाने नक्शे अव्वल, साजी हस्ती, निरास मियास, दर्द व दरमा सवालिया आबिद हुसैन के मशहूर अफसाने हैं। सवाल नंबर पाँच, सवालिया आबिद हुसैन ने बच्चों के लिए कौन सी कहानियाँ लिखी? सवालिया आबिद हुसैन ने बहादुर सिंधवाद, भोली, जादू का हीरा, सुंदर चिनार और बच्चों के एनिस कहानियाँ लिखी। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, सवालिया आबिद हुसैन कपूर कहाँ पैदा हुई? जवाब, सवालिया आबिद हुसैन हरियाणा के तारीखी शहर पानीपत में 18 अगस्त 1913 ईस्वी में पैदा हुई। सवाल दो, सवालिया आबिद हुसैन के वालिद का क्या नाम था? सवालिया आबिद हुसैन के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम उसकलैन था। सवाल तीन, बच्चों के लिए सवालिया आबिद हुसैन ने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी? बच्चों के लिए सवालिया आबिद हुसैन ने बहादुर सिंधवाद, भोली, जादू का हीरा, सुंदर चिनार और बच्चों के अनेस कहानियाँ लिखी। सवाल चार, सवालिया आबिद हुसैन ने अपना पहला नावल किस नाम से लिखा? सवालिया आबिद हुसैन ने अपना पहला नावल हुस्न इत्तेफाक के नाम से लिखा। सवाल नंबर पाँच, सवालिया आबिद हुसैन को कौन से इनाम से नवाजा गया? सवालिया आबिद हुसैन को उनकी खिदमत के लिए हुकूमत हिंद ने 1983 में पद्मश्री और गालिब अकेदमी ने 1987 में गालिब अवार्ड से नवाजा। अब यहाँ पर है मुतजाद यानी कि अपोजिट, जिंदगी का मौत, रोशन का तारीख, तकरीर का तहरीर, खूबसूरत का बदसूरत, पसंदीदा का नापसंदीदा, वाहिद से जमा बनाने हैं और जमा से वाहिद, खिदमत का जमा खिदमात, एहसास की जमा एहसासात, जज्बे की जमा जज्बात, जमा से वाहिद, तहरीरों की जमा तहरीर, ख़ानदानों की जमा ख़ानदान, वाहिद इम्तिहानात जमा है और इसका वाहिद ही इम्तिहान। नीचे लिखे गए लफ्ज़ों से जुमले हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ से मैंने 8th क्लास का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। अब अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना।